नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हसमुख भाई और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल गजान ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ब्लेजर की कैशअप जो रहती है दोस्तों जब सेल्फ लगाते हैं गाड़ी का तो दोस्तों जो आवाज़ आता है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। इससे पहले थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था होंडा ड्यूड के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो मैं बनाऊँगा। तो बहुत सारे भाइयों की कॉमेंट आने पर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ अभी होंडा ब्लेजर का। तो दोस्तों इसका मैं साउंड सुना देता हूँ पहले और फिर इसका कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते गाड़ी पे। ओके गाइस, तो ये 2009 का हीरो ब्लेजर गाड़ी है, हीरो होंडा ब्लेजर दोस्तों, ठीक है। हीरो होंडा वाली जो मॉडल थी वो ब्लेजर है, पुराना मॉडल। तो इसके अंदर मैं आपको सेल्फ लगा के दिखा देता हूँ एक बार गाड़ी से कैसी आवाज़ आती है। लगाओ भाई सेल्फ। ठीक गाइस, तो आपने आवाज़ सुना जब चालू की उस टाइम कैसा आवाज़ आया था, फिर से एक बार मैं आपको अच्छे से सुनाई देता हूँ। ठीक है गाइस, इस तरह से आवाज़ आता है। तभी गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं इसको खोल के आपको दिखाऊंगा। और इससे पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने फिर जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो में और थोड़ी डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो फटाफट से ये जो हमारा क्लच कवर रहता है बेल्ट वाला, क्लच पुली वाला, वो पूरा कवर निकाल देंगे और निकाल के अंदर क्या रीज़न है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने क्लच कवर निकाल लिया और क्लच की पुली भी निकाल दी और यहाँ पे जो कवर आता है वो भी निकाल दिया, क्योंकि ये कवर निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ इसलिए मैंने ये कवर निकाला है। तो अभी इसको ठीक करेंगे और मतलब ये क्लच की पुली भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए निकाली कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो अभी ये दोस्तों एक अलग से टूल्स बनाया है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये टूल्स हमने इसलिए बनाया है कि जब भी हम क्रैंक रहती है, जो दोस्तों इसका छेड़ा रहता है एक साइड का शाफ्ट रहती है वो बैंड होती है, तो इसको ऐसे चेक करके देख सकते हैं और वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसको चेक करते हैं। तो अभी ये बैंडेक्स का ऊपर का दोस्तों जो इसको मंदिर बोलते हैं हमारी भाषा में, तो ये निकाल लेंगे। और ये किसी ने नया डाला हुआ है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किसी ने कागज़ भराया हुआ है। और मैं जैसे बोलता था आपको पहले से ही कि दोस्तों जब बैंडेक्स मतलब जो हमारा क्रैंक का छीरा रहता है वो ख़राब हो जाता है, तो अक्सर बैंडेक्स ख़राब हो जाता है। तो ये बैंडेक्स की हालत है। इससे पहले के वीडियो में भी यही प्रॉब्लम हुआ था, बैंडेक्स ख़राब हो चुका था। और इससे भी हम इसको भी रिपेयर करेंगे और रिपेयर का वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। सिर्फ 40-50 रुपए लगते हैं कैसे रिपेयर करते हैं इसको, मतलब ऊपर की किट आती है। अगर आप पूरा नया लेने जाओगे तो कम से कम ये दोस्तों 1400-1500 का होगा ओरिजिनल होंडा का, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर के लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन दिख रहा होगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी इसकी लिंक। तो अभी इसको कैसे रिपेयर करना है वो बता दिया मैंने, अभी इसको सीधा कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों इसको घुमा घुमा के हमें चेक करना है कौन सा कौन चक्कर का कौन सा भाग जो रहता है वो यहाँ पे टच करता है, और उसको इस हिसाब से यहाँ पे हल्की हैमर से चोट लगानी है ताकि ये थोड़ा सा सीधा हो, और इस हिसाब से घुमाते रहना है और चेक करते रहना है। तो मैं आपको एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। अभी देखो दोस्तों ये हमने ऐसे सेट कर दिया है, अभी मैं घुमाता हूँ। इस तरह से हमें हल्के से सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आपको ध्यान से देखोगे थोड़ी जगह रहती है। ठीक है, अभी घुमाओ भाई, घुमाओ। देखो दोस्तों यहाँ पे टच किया, मतलब यहाँ पे टच करके चला गया, तो ये जो छीरा रहता है वो बैंड है। तो फिर से एक बार मैं घुमा लेता हूँ, घुमाओ भाई, घुमाओ, घुमाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टच हुआ, मतलब जो पोर्शन टच होता है यहाँ पे उस जगह पे हमें चोट लगानी है। तो मैं पहले बैंडेक्स जो रहता है इसको ठीक कर दूंगा, और बैंडेक्स साथ ही में दोस्तों बैंडेक्स भी ऊपर ये जो बुश रहता है उसके अंदर लगाऊंगा, और फिर घुमाएंगे और कौन सा छीरा ऊपर भी टच करता है और वही छीरा यहाँ पर भी टच करता होगा। तो दोनों छीरे, ये छीरा यहाँ पर टच करता होगा जो हमारा जो हमने पुलर बनाया है जिसका, वहाँ टच करके आगे बैंडेक्स पे भी वही छीरा टच करेगा। मतलब यहाँ पे अगर ये छीरा है यहाँ टच करके वापस यहाँ पे टच करता हो तो इस जगह पे हमें चोट लगानी होती है हल्के से। तो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ किस तरह से करना है।
तो ओके गाइस, बैंडेक्स रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ऊपर की जो रिपेयर किट आती है उससे हमने रिपेयर कर दिया। तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको जाके चेक कर सकते हैं कैसे इसको रिपेयर करते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा। बैंडेक्स बैठ चुका है, अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। घुमाओ भाई, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक जगह पे ये टच करेगा। घुमाओ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस लो तो भाई, लो वापस और लो और अब घुमाओ। यहाँ पे थोड़ा सा वापस लो, देखो दोस्तों बैंडेक्स पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिल रहा होगा। ठीक है, अभी घुमाओ भाई सीधा। ये पोर्शन जो रहता है यहाँ पे टच करता है, मतलब यहाँ पे जो ये छिरा है वो बैंड है यहाँ से। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा फास्ट घुमाओ तो भाई। देखो दोस्तों अभी टच नहीं कर रहा, अभी करेगा वापस। यहाँ पे घुमाओ और घुमाओ, यहाँ पे, ठीक है। बस बस रुको 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 भाई, तो मतलब यहाँ से टच करता है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये पोर्शन जो रहता है ये हमारे सीधी लिट्टी, यहाँ पे ये छिरा ख़राब हो चुका है, तो इसको ठोक के हम सीधा करेंगे। अभी मैं आपको कैसे सीधा करते वो दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हम एक मार्कर लेंगे, ताकि ये दोस्तों मार्कर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक मार्कर लूँगा और जो क्रैंक का शाफ्ट है वो कहाँ से बैंड है वो आपको दिखाऊंगा। तो मार्क करेंगे हम जिस पोजीशन से टच करता है और कहाँ तक टच करता है, ये आपकी जानकारी के लिए मार्कर करके मैं मार्क करूँगा, ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके। तो अभी मैं इसको हाथ से घुमाता हूँ, हल्के हाथ से ऐसे, और जहाँ पर दोस्तों ये बैंडेक्स टच करेगा उस जगह पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी टच नहीं करता, जैसे टच करेगा हमें पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने उंगली उस लिए ही रखी है, तो तुरंत ही टच करेगा तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे टच करता है ये पोर्शन, टच कहाँ से करता है, यहाँ से, यहाँ से। मतलब अभी हम क्या करेंगे, मार्कर लेंगे और यहाँ से टच करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से टच करता है तो किधर तक टच करता है वो चेक कर लेना है हमें। यहाँ पे टच नहीं करता, यहाँ तक टच करता है, यहाँ तक, मतलब इधर तक हमारा जो क्रैंक का छेरा रहता है वो बैंड है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो लाइन है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है जो मार्क लगाया हमने, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बैंड है, तभी इसको थ्रू करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये टूल्स जो हमने बनाया था वो टूल्स अगर आपके पास होगा तो आप अच्छे से पहचान सकोगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टूल्स आप बना सकते हैं और विदाउट टूल्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए कहाँ पे ये बैंड हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से मैं इसको टैप कर दूंगा, इस तरह से घुमाओ भाई, घुमाओ, बस रुको, वापस लो, बस बस। एक हमें एक्सेल चाहिए हैवी वाली और एक हैमर चाहिए हैवी वाली। इसके थ्रू हमें, मतलब जो पोर्शन टच कर रहा था वो यहाँ पे था, इसको वापस लेके इस जगह पे हमें चोट लगानी है। तो कैसे लगानी है, ऐसे हल्के हाथ से ऐसे लगानी है, ठीक है। घुमाओ भाई,
पास, रुको वापस लो थोड़ा, लो और वापस लो, और लो वापस, और वापस लो। दोस्तों जब भी आप चोट लगाए तो एक चीज़ का ध्यान रखें, पहले हल्के हाथ से चोट लगाए, अगर ज़्यादा चोट लगाओगे तो ये तो सीधा हो जाएगा लेकिन सामने वाला पोर्शन बेंड हो जाएगा, तो हल्के हल्के हाथ से चोट लगानी है, उस हिसाब से ये सीधा हो जाएगा। घुमाओ भाई, घुमाओ और घुमाओ, घुमाओ और घुमाओ, थोड़ा सा बैंड है दोस्तों यहाँ पे, जो हमने मार्क किया था इस जगह पे, वहाँ पे अभी और थोड़ा बैंड है, और थोड़ा सीधा करेंगे हम। घुमाओ भाई, घुमाओ, घुमाओ, घुमाओ। मेरे ख्याल से दोस्तों शायद ये सही हो चुका है, एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। घुमाओ भाई, घुमाओ, बस थोड़ा वापस लो तो बस यहाँ पे दोस्तों शायद नॉर्मल सा टचिंग कर रहा है यहाँ पे इस पोर्शन पे, मतलब जहाँ पे हमारा मार्क था पहले से बहुत कम है, तो एक बार यहाँ पे इसके सीधे में यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा चोट लगाएंगे हम वापस से। घुमाओ भाई, वापस लो थोड़ा, घुमाओ और घुमाओ, थोड़ा सा वापस लो, लो और वापस, और थोड़ा, बस थोड़ा वापस ले लो, लो वापस, लो और लो वापस, बस बस बस। घुमाओ और घुमाओ। तो दोस्तों ये सही हो चुका है, एक बार आपको फिर से नज़दीक से दिखा देता हूँ, मतलब अभी टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों पहले जो एक मिनट रुको भाई, पहले जो हमारा ये मार्क रहता है, ये मार्क यहाँ पे बैंडेक्स पे टच करता था, और जब बैंडेक्स पे हम उंगली रखते थे तो वहाँ पे फील होता था कि ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, मतलब घिसता था। अभी मैं आपको यहाँ पे उंगली रख के दिखाता हूँ भाई, घुमाओ तो देखो दोस्तों, मतलब ये अभी बिल्कुल सही चल रहा है, और घुमाओ, और जो आवाज़ आती है दोस्तों वो आवाज़ इसकी नहीं है, रुको भाई, ये आवाज़ इसकी नहीं है, इसके पीछे जो रोलर रहते हैं रोलर की आवाज़ है। और अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, वो ऑयल मेरे ख्याल से पहले किसी ने जो क्लच कवर रहता है, क्लच कवर में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो दोस्तों क्लच कवर रहता है, क्लच कवर के अंदर कुछ ज़्यादा ही ऑयलिंग किया हुआ है पहले किसी ने, तो उस कारण से यहाँ पे जो सामने वाला पोर्शन रहता है वहाँ पे ऑयलिंग हो चुका है। तो ज़रूरी है दोस्तों ऑयलिंग करना, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत कीजिए ताकि ये पूरा चैम्बर, मतलब ये चैम्बर भी ख़राब हो जाए और सामने भी ऑयल ऑयल हो जाए, ठीक है।
तो अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको वापस से फिट करूँगा सारी चीज़ें, और आपको सेल्फ लगा के दिखाता हूँ वाकई में ये सही हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, ओके फाइनली गाइस, यहाँ पे इसका काम सारा हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैनल सब लगा दिए मैंने। अभी आपको गाड़ी चालू करके दिखाऊंगा, मतलब जो हमने रिपेयर किया उसके बाद गाड़ी का आवाज कैसा है, और पहले का आवाज जो था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर ही। ठीक है, तो सबसे पहले रिपेयर करने के बाद गाड़ी चालू कर दे और गाड़ी का आवाज कैसा मैं आपको दिखाता हूँ चाबी वन की। ठीक है, ये गाड़ी चालू हो चुकी है, मतलब गाड़ी जब चालू करते हैं, एक बार मैं बंद कर देता हूँ, मतलब दोस्तों जब गाड़ी चालू कर दे तो बिल्कुल आवाज नहीं करती। जो सेल पहले लंबा लंबा बोलता था और सेल का जो नॉइज होता था वो अभी नहीं रहा है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से गाड़ी चालू होती है। फिर से एक बार आपको मैं चालू करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी गाड़ी चालू है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रिजल्ट मिला है, और किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया। अभी मैं एक बार आपको जो बिफोर, मतलब ये काम करने से पहले जो हमने गाड़ी चालू करके आपको दिखाया था उसका आवाज़ भी सुना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, आपने पहले का आवाज़ सुन लिया है और अभी का आवाज़, मतलब दोनों में कितना डिफरेंट है आपको पता चल चुका होगा। इसके कारण दोस्तों जो बैंडेक्स रहता है वो भी खराब हो जाता है, और जो क्रैंक शाफ्ट पे जो बड़ा चक्कर रहता है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया था। आपने बोला था हीरो ब्लेजर पे वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो फटाफट से कमेंट में जाके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो दोस्तों घंटी दी गई होती है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।